शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। यही सर जी, बिनौला खल के साथ साथ बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में हमने विदेशों में भी और घरेलू आयात में दोनों में ही जगह तेजी बनते हुए देखी है। आपने कहा था कि 44,000 तक का लेवल दिखा देगा, 43,000 के अबव हम ऑलरेडी कॉटन को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं और बहुत ही जल्द ऐसा लग भी रहा है कि 44,000 का स्तर भी दिखा देगा। लेकिन क्या कॉटन में उसके ऊपर भी लेवल देखने को मिल सकते हैं? क्या 44,000 के भी पार कॉटन की कीमतें जाती नजर आ सकती हैं? देखिए, जो मैं अभी बताने वाला हूँ कॉटन में, अभी तक मैंने कोई भी चैनल पे बताया नहीं है। ये हम लोग एक एआरटी एनालिसिस करेंगे पूरे साल के लिए रहता है, बट ये एक प्रिलिमिनरी रिसर्च रिपोर्ट पे है जो मैं सबसे पहले आपके चैनल पे बताता हूँ। पहला चीज समझिए कि हमने जब तेजी बताई थी 97 सेंट से एक कपल हैंडल फॉर्मेशन हुआ था जिसका टारगेट करीबन 140 का, हमने कंजर्वेटिव 136 सेंट का लिया था, वो अचीव हो चुका है। इसी को एक्सट्रापोलेट करें तो 153 सेंट तक का लेवल दिख रहा है। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है 45-46 बहुत हाई साइड है, बट आप 45 टॉप आपको देखने मिल जाएगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है 12 से 15 अप्रैल, 12-15 अप्रैल तक मैक्सिमम जो हाई मारना है वो मार देगा, इसके बाद मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। बट ध्यान रखिए, लोगों की धारणा यह है कि इस बार कॉटन में बम्पर सोइंग होने वाली, इसको बिल्कुल रिव्यू कर लेना वापस, बम्पर सोइंग नहीं हो सकती। कारण यह है 24 फरवरी से लेकर अभी तक जो यूक्रेन और रशिया में लड़ाई का माहौल बना है, जिसकी वजह से काफी ऐसी कमोडिटीज है जो मल्टी ईयर हाई पे पहुंच गई है। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर, सोयाबीन, वीट, बार्ले, इनके यहाँ पे अगर हम देखें भाव तेज होने की वजह से जो फार्मर है इनका रुझान इन कमोडिटीज से ज्यादा जाता हुआ दिखाई देगा। कॉटन में भी एरिया बढ़ेगा लेकिन कोई डबल नहीं होने वाला, कोई ट्रिपल नहीं होने वाला। तो टाइमिंग मुझे लगता है जो स्पेकुलेशन चल रहा है मार्केट में कि काफी ज्यादा एरिया बढ़ेगा, ये मात्र एक ऐसा कारण है। साथ में गवर्नमेंट के कुछ एक्शन हो सकते हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर, इम्पोर्ट्स के ऊपर, ये सबको देखते हुए एक बार हो सकता है टेक्निकली कि प्राइसेस 3100-3200 का लेवल दिखा दे 45,000 दिखाने के बाद, लेकिन ये एक्स्ट्रा फिगर। बट अगर ध्यान रखना, मई से पहले अगर ये 3100 का लेवल नहीं तोड़ा और मार्केट यहाँ से वापस सपोर्ट ले गया तो आप इंटरनेशनल में $2 जो 2012 में हमने देखा था, $2 200 सेंट का लेवल हम देख पाएंगे, जो डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से करीबन मिनिमम 70-80 हजार का लेवल भी तोड़ देगा। ये अगले सीजन की बता रहा हूँ, बिकॉज मानसून पे भी नजर रखिए, क्योंकि अभी तक IMD क्लाइमेट के प्री अपडेट जो आए हैं वो नॉर्मल बता रहे हैं मानसून। आप देखिए प्री मानसून के अंदर डेफिसिट बहुत ज्यादा है और ये रिपोर्ट पिछले हफ्ते ही रिलीज हुई है। साथ में जर्मन कंपनी एक है जिसका एक स्टडी ये भी आया है कि इस बार इंडिया में मानसून कमजोर हो सकता है। अभी मानसून पे स्पेकुलेट करना काफी जल्दी है, 15 अप्रैल तक अगर ये 400-500 चीजें अगर इनलाइन हो जाती है तो मुझे लगता है 15 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में एक बड़ी गिरावट दिखाई देगा। सबका एक्सपेक्टेशन है बम्पर स्विंग को लेकर, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कोई बम्पर हो 10% से, आज से 10% से ज्यादा की स्विंग ग्रोथ नहीं हो सकती। और ये एक मुख्य कारण रहेगा कि ग्लोबल बैलेंस की अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन मात्र थोड़ा बढ़ा है बट कंजम्पशन भी बढ़ा है, और अगले साल जो डेफिसिट है वो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि चाइना का स्टेट रिजर्व अपने निचले स्तर पे है पिछले 5 सालों में। और ये सब फैक्टर मुझे लगता है अक्टूबर तक जब नया माल आएगा उससे पहले पहले करीबन 200 सेंट का लेवल हम इनका राशन में टेस्ट कर पाएंगे। जी, फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।